नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड में कोरोना के मामले चरम पर हैं, ऐसे में पहाड़ी इलाकों में अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव है। ये हम नहीं कह रहे, ये अस्पताल कर्मचारी का वायरल हो रहा ऑडियो बता रहा है, जिसमें कर्मचारी इस कोरोना काल में अस्पताल की हालत बता रहा है। आप भी देखिए। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब कोरोना के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं बात की जाए पौड़ी जिले के सबसे उम्दा अस्पताल बेस अस्पताल श्रीनगर की, तो अस्पताल की व्यवस्थाओं को अस्पताल के कर्मचारी का सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो अच्छे से दर्शाता है कि प्रदेश में कोरोना से स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है। हेलो हेलो, हाँ मीन, हाँ डॉक्टर साहब कहाँ हो? यार थोड़ा मैं बिजनेस परेशान हूँ, तो मैं बात मत करूँगा। क्या क्या हुआ, कोई दिक्कत? चल तब कर। अरे यार हमारे बगल में कोई बोल रहा है एक्सपायर हो गई कोरोना से। अच्छा, चौरास में? नहीं नहीं, यहीं यार कॉलोनी में। अबे अच्छा, 35-35 साल का यंग वाला। अच्छा, 20 साल नहीं, 84 84 साल बताओ, 84 डेट ऑफ बर्थ बताओ। चलो मैं तब बात कर दूँ। खास बात तो नहीं है ना? खास काम भी यार, एक हमारे नेगी जी है ना हमारे केमिस्ट्री में यार, वो लेक्चरर है ना, और वो भी एडमिट है, और यार उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है कोविड। मैं इसलिए बोला था, मैंने कहा कम से कम कुछ नहीं हो सकता है, मैंने बता दिया। हाँ, हाँ। ये तो स्टाफ का हस्बैंड था, इसी वाइफ तो खुद स्टाफ है यहाँ पे 15-20 साल से केपी सिंह के वार्ड में। हाँ, और तब कुछ नहीं हो पाया, तो ये तो भूल जाओ कि कुछ होगा वहाँ। सर वार्ड के अंदर जाने को कुछ तैयार नहीं है, पीपी किट मिल नहीं रहे हैं, और स्टाफ भी एक बार जा रहा है, डॉक्टर कोई घुस नहीं रहा अंदर। अच्छा, ये मैं तेरे को बता रहा हूँ वास्तविक स्थिति। अब कौन घुसेगा सर? यार एक बार बताओ ना, घुसे कौन? सही बात है, कौन घुसेगा? ठीक है, वो लोग एक बार पीपी किट पहन दे घूम के आ जा रहे हैं बाहर ना। तो ये तो यार इसके सिस्टर की ये तो खुद नहीं वहाँ उसके साथ भाई, मैं लगाऊंगी इंजेक्शन, मैं लगाऊंगी सारी केयर मैं करूंगी। अच्छा। ये नहीं वहाँ वो उस कोविड वार्ड में लगाओ बताओ, तब नहीं हुआ कुछ। तो हम किसी को फोन कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो खैर पर फिर भी मुझे बता देना कहाँ है वो भर्ती। वो ग्राउंड फ्लोर में ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर तो सस्पेक्टेड में हूँ अभी, कोरोना पॉजिटिव नहीं आया होगा मतलब। पता नहीं सर, ग्राउंड फ्लोर पर रहो ना, तो अब बीरेन सिंह नहीं है ना उनका नाम, बीएस नेगी, बीरेन सिंह भंडारी जी कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे कब से, ये चीफ ऑफिसर साहब। अच्छा, उनके नहीं सुनना कोई? अच्छा, मतलब अब सर मरीज हो गए 122, 50 मरीजों पे एक स्टाफ, क्या करेगा आदमी बताओ, करेगा क्या? सही बात है। वायरल ऑडियो में किस तरह कर्मचारी अपने अस्पताल के कार्यशैली को दर्शाता है, साथ ही वायरल वीडियो से भी साफ पता चलता है कि कोविड काल में किस प्रकार से मरीजों से व्यवहार किया जा रहा है, वहीं मरीजों को किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे इस ऑडियो से स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। कोरोना ने लोगों को दूरी बनाना तो सिखा दिया, लेकिन अपनों को भी अपनों से दूर कर दिया। वो इसलिए कोरोना का डर लोगों में इस कदर है कि अब लोग अपने रिश्तेदारों से भी दूर भाग रहे हैं, और इस मुश्किल भरे समय में अपनों का साथ नहीं दे रहे। देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं कि रिश्तेदार इसलिए होते हैं कि जब जरूरत पड़े तो रिश्तेदार एकत्रित हो जाएं और विपदा की घड़ी में सबका साथ दें। लेकिन रानी पोखरी क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने और देखने के बाद रिश्तेदारों से जैसे मोह भंग सा हो गया है। दरअसल रानी पोखरी में रहने वाले एक सेना के रिटायर्ड फौजी की मां का अचानक निधन हो गया। सूचना के बावजूद भी कोविड-19 के कहर की वजह से रिश्तेदार दाह संस्कार तो दूर घर पर शव के अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं पहुँचे। ऐसे में शव को उठाने के लिए चार कंधों की जरूरत को भला इकलौता बेटा कैसे पूरा करता। मजबूरी में बेटे ने पुलिस को अपनी आपबीती बताई, फिर क्या था, पुलिस से अपना फर्ज निभाते हुए तत्काल गांव के जनप्रतिनिधियों को एकत्रित किया और मृतक के घर पहुंच गई। आज शाम को लगभग 4 बजे 112 हेल्पलाइन के माध्यम से रानी पोखरी निवासी उमेद सिंह नेगी जी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी माताजी का देहांत हो गया है, लेकिन अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं आ रहा है। कोविड संक्रमण के डर से कोई भी रिश्तेदार आने को तैयार नहीं है और वो अकेले हैं।
सूचना प्राप्त होते ही हम लोग मौके पे पहुंचे और जो ग्राम प्रधान हैं वहाँ के श्री सुधीर अतुड़ी जी वो भी मौके पे आ गए थे और वार्ड मेंबर जीवन चौहान, श्री संदीप जायसवाल जी, सोनू कुमार, इन सभी लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने जो बॉलर हैं उनकी माता जी के शव को पूर्णानंद घाट ऋषिकेश ले गए। वहाँ उनका पूर्ण धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया गया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि संकट का समय है, इस टाइम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ मिलके हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। जनप्रतिनिधियों और पुलिस ने मिलकर शव को कंधा दिया और मुनि की रीति स्थित पूर्णानंद घाट पर पहुंचाया। दाह संस्कार के बाद मदद करने पर मृतक के बेटे ने पुलिस और जनप्रतिनिधियों का आभार भी व्यक्त किया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए ऋषिकेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली दवा कंपनी का भंडाफोड़ किया है, लेकिन वहां पुलिस ने किसी भी तरह की कोई बरामदगी नहीं की, बल्कि पुलिस ने रुड़की में छापा मारकर कुछ लोगों को पकड़ा है और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। जहां एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ लोग कालाबाजारी भी जमकर कर रहे हैं। दरअसल नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामदगी के मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कोटद्वार सिडकुल स्थित नेक्टर हर्बस एवं ड्रग्स कंपनी में छापेमारी की, लेकिन वहां क्राइम ब्रांच को कुछ नहीं मिला। छापेमारी की भनक जैसे ही कोटद्वार पुलिस को लगी, आनंद फानन में सी और एएसपी मौके पर पहुंचे और क्राइम ब्रांच से बातचीत कर अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी ने बताया कि आदित्य गौतम नाम के व्यक्ति को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। उसने क्राइम ब्रांच को बताया था कि उन्होंने सिडकुल में लीज पर कंपनी ले रखी थी। केवल नाम बताने को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची, लेकिन यहां पर किसी भी तरह की कोई बरामदगी या फिर इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया, जबकि रुड़की से क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। कल है दिल्ली क्राइम ब्रांच का, जिन्होंने चाणक्यपुरी वहाँ बत्रा हॉस्पिटल के पास 96 इंजेक्शंस बरामद किए थे जो कि नकली पाए थे। उसके सिलसिले में वो अपना जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हरिद्वार, रुड़की वगैरह आए थे। तो हरिद्वार और रुड़की वहाँ पे उन्होंने दो अरेस्टिंग भी करी है, जिसमें उनको काफ़ी सारे जो खाली एम्प्टी शेल्स एंड 3000 करीब वो भी मिले, सब चीज़ें मिली। उसमें वहाँ पे जो एक बंदा था आदित्य गौतम, उनके नाम ने उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्होंने लीज में ये कंपनी ले रखी थी। तो सिर्फ नाम बताने की वजह से वो यहाँ पर एक उस तरह पर आए थे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि नहीं, जो कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई बरामद की नहीं पाई गई, ना ही किसी तरह का अभी तक का कोई इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। मैम, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन लोकल पुलिस को भनक तक नहीं मिलती है। परसों का मामला है, आज कोटद्वार पुलिस नहीं, वो आज भी आई है टीम। आज हमें पूरा हमारी पूरी बात हुई थी, क्योंकि यहाँ का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्टली किसी का किसी ने नाम ले लिया था। तो एक जस्ट वो एक कर्सरी लुक पे देखने के लिए परसों आए थे, लेकिन आज वो लोग प्रॉपरली आज जो बयान वगैरह लिखने के लिए आए, तो उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट भी किया था, कोऑपरेशन भी किया था। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, मैं खुद यहाँ पे हूँ, तो ऐसा नहीं है, हम लोग को सारी चीज़ें पता रहती हैं। मैम, जो आदित्य गौतम की आप बात कर रही हैं, तो लीज पे उन्होंने कंपनी थी, क्या यहाँ पे लेवलिंग होती थी या किस तरीके से यहाँ पे काम होता वो था? बंदा नहीं, यहाँ पे तो वो मार्केटिंग के लिए उसने वो कंपनी ली थी लीज पे, जो कि यहाँ किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो लेवलिंग प्रिंटिंग है वो भी रुड़की में ही है, प्लस वो अपनी गाड़ी में इस तरह से अलग अलग तरह से जो उसने बयानों में दिया है वो करता था। यहाँ कोटद्वार में किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। मैम, जो दिल्ली के अधिकारी है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोटद्वार में हम लोगों ने अभी पकड़े हैं, वहाँ पर इस तरीके नहीं नहीं, मेरे साथ खुद अभी क्राइम ब्रांच की टीम है यहाँ पे मौजूद है अंदर, हम लोग की बात में पूरा उनसे ही डिटेल लेने के बाद आपसे बात करी, जितने भी बयानबाजी आई, जितना भी चीज़ें, यहाँ अभी तक कोई ना हमारी बरामदगी किसी तरह की हुई है और ना ही किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट, लेबलिंग वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल आदित्य गौतम है क्या हिरासत में है? हाँ जी, दो जने हिरासत में है, आदित्य गौतम है और अपना वतन कुमार सैनी, दो जने हिरासत में, एक हरिद्वार से है और एक रुड़की। वहीं देहरादून में तैनात ड्रग्स विभाग के अधिकारी जो रेमडेसिविर की व्यवस्था राज्य के लिए कर रहे हैं, वहीं जिलों में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर ऐसे गंभीर समय में भी अपनी जिम्मेदारियों की खानापूर्ति करते दिख रहे हैं। उत्तराखंड में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तीन शहरों में हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में बड़ी छापेमारी की, जिसमें रुड़की में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जहां पूरे देश में इस इंजेक्शन की किल्लत देखने को मिल रही है, वहीं इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जमकर हो रही थी। बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना भी नहीं मिल पाई। सूत्रों के मुताबिक मुखबिर ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना देकर छापेमारी कराई थी। छापेमारी के बाद पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।
कोरोना काल में हर तरफ अजीब सा माहौल है, शमशान घाट लाशों से भरे पड़े हैं। ऐसे में अब शमशान घाटों पर भी पैकेज सिस्टम लागू कर दिया गया है। जी हां, सही सुना आपने, हरिद्वार के चंडी घाट स्थित शमशान घाट पर एक मुर्दे को जलाने का पूरा पैकेज सिस्टम बना दिया गया है, जिसमें 3600 रुपए में शव को जलाने से लेकर तमाम अन्य क्रियाकर्म कराए जाएंगे। कोरोना से हो रही मौत के चलते शमशान घाटों पर लाइनें लगी पड़ी हैं और कुछ लोग ऐसे समय में भी अपना फायदा देख रहे हैं। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित शमशान घाट पर एक मुर्दे को जलाने का पूरा पैकेज सिस्टम बना दिया गया है। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित शमशान घाट पर मुर्दे की लकड़ी, मृत शरीर के लिए पंडित, देसी घी, नाई सहित अन्य तमाम सुविधाएं एक पैकेज में मिल रही हैं। शमशान घाट की व्यवस्था संभालने वाले मान सिंह का कहना है कि यहां पर सब संस्कार करने वाले लोगों को एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग शव को जलता छोड़कर चले जाते हैं, जबकि इस वक्त ज्यादातर बॉडी कोरोना वायरस की आ रही है, जिनको जलाने में ज्यादा लकड़ियां लग रही हैं। लेकिन हम दोबारा किसी से पैसे नहीं मांगते और जब तक मृत शरीर अस्थि में तब्दील ना हो जाए तब तक जितनी भी लकड़ियां लगें हम उतने ही पैसे में लगाते हैं। इनका कहना है कि इस वक्त महामारी के दौर में ज्यादा शव आ रहे हैं। कोरोना की ही अगर बात की जाए तो लगभग हर रोज 8 से 10 शवों का अंतिम संस्कार यहां पर हो रहा है और अलग अलग जगहों से आने वाले शवों की संख्या अलग है, इसीलिए 3600 रुपए का पैकेज बना दिया गया है। हमारे यहाँ पैकेज है कि 3680 में हमारी पूरी बॉडी जलानी होती है, उसमें क्या लकड़ी बाहर भी नहीं फेंकनी पड़ती है, उतनी ही बॉडी जलता तो उतने से पहले भी इतने भी था, इतने भी था, नीचे की नहीं जलती थी, यहाँ पे पूरी जल जाती है। तो बाय द वे कभी नहीं जले, हॉल लकड़ी हमारे जो यहाँ पे जलाने वाले होते हैं उनकी ड्यूटी है कि हॉल ले जाएं, कोई पैसा हॉल नहीं दिया जाए, थोड़ा ज़्यादा लग जाती है लकड़ी तो उसमें हम हॉल एक्स्ट्रा दे देते हैं और देते हैं और जलाते, पूरी हमारी ड्यूटी है पूरी जलानी, उनको हम अस्थि दे देते हैं, थोड़ा देर बाद अस्थि दे दें और उसके बाद हमारे आदमी जो है पूरी जलाते हैं। लकड़ी भी और डेड बॉडी तो बहुत बड़ी बात है, डेड बॉडी तो जलानी जलानी, लकड़ी भी पूरी जलानी है। कोविड की अस्थियाँ नीचे अस्थियाँ आ जाती हैं, फूल जिसको कहते हैं अस्थियाँ आ जाती हैं, वो उनको उसमें गड़े पे या किसी कपड़े पे दे देते हैं, वो अस्थि अपने आप विसर्जन कर देते हैं। बस 2 घंटे सुरक्षा के हम छिड़काव किया है, परसों कल ही किया है, बस बाकी हम सैनिटाइज तो करवाते हैं अपने आदमियों को। धर्म नगरी हरिद्वार में कोरोना महामारी की वजह से साथ साथ कई पड़ोसी राज्यों से भी मृतकों के शव को हरिद्वार लाकर शमशान घाट पर जलाया जा रहा है। इसको लेकर हरिद्वार चंडीगढ़ शमशान घाट पर चिता को जलाने के लिए एक पैकेज की व्यवस्था कर दी गई है और इसमें परिवार जनों को हर सुविधा दी जा रही है, जिसमें शव को जलाने से लेकर तमाम अन्य क्रियाकर्म कराए जा रहे हैं। हरिद्वार से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए इंतजार रजा की रिपोर्ट। पौड़ी जिले में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा भी जिले में कोरोना की तेज रफ्तार की तरह ही लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों सख्ते में है। यहां एक सप्ताह के अंदर ही 14 लोगों की मौत कोरोना की चपेट में आने से हो चुकी है, जबकि कोरोना के मामले भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं जिले में हफ्ते भर में हुई अत्यधिक मौत श्रीनगर और कोटद्वार के अस्पतालों में हुई, जहाँ एहतियातन कोरोना कर्फ्यू नगरीय क्षेत्र में 3 मई तक लगा दिया गया है। जिलाधिकारी की माने तो मौत का आंकड़ा बढ़ने की एक वजह ये भी है कि कोरोना की चपेट में आए मरीज उस वक्त अस्पतालों का रुख कर रहे हैं जब वो ज्यादा गंभीर अवस्था में कोरोना की वजह से पहुंच गए हैं, जबकि पहले ही कोरोना का संदेह होने पर मरीज अपनी तबीयत को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों से ही छिपा रहे हैं। SSP देहरादून डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने रायपुर स्टेडियम देहरादून में बने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं और कोविड केयर सेंटर में इलाज करा रहे मरीजों के संबंध में जानकारी ली। कोविड केयर सेंटर की ड्यूटी में लगे अधिकारियों ने बताया कि अभी इस सेंटर में 45 बेड पर मरीजों का उपचार चल रहा है, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था न होने की वजह से सेंटर पर दबाव बढ़ गया है, जिससे भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसके बाद SSP योगेंद्र सिंह रावत ने कोविड सेंटर में अतिरिक्त PSC को नियुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान सुरक्षा संबंधी उपाय से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए।
दून अस्पताल के कोरोना वार्ड में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दरअसल कांग्रेस ने इसे आपदा में राजनीति का उदाहरण करार दिया है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य महानिदेशक, सीएमओ, दून मेडिकल कॉलेज के प्रचारक के साथ ही डीएम देहरादून को भी बताना चाहिए कि क्या कोविड प्रोटोकॉल अब बदल गया है, क्या अब संक्रमित मरीज के पास अब कोई भी व्यक्ति तीमारदारी के लिए जा सकता है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सत्ताधारी दल महामारी में भी लोगों की जान की परवाह किए बगैर राजनीति करने में मशगूल है। देश में एक तो पहले से ही ऑक्सीजन की किल्लत है, ऊपर से कुछ लोग ऐसे हैं वो ऑक्सीजन प्लांट से भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे रहे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ शासन प्रशासन इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में लगा है, अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं भगवानपुर रोड पर बने मां गंगा ऑक्सीजन प्लांट का मामला सामने आया है, जहां पर सुबह 4 बजे से ही लोग ऑक्सीजन लेने के लिए गेट पर खड़े रहे, लेकिन उन्हें कई घंटे गुजारने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जबकि मां गंगा प्लांट से ऑक्सीजन की गाड़ी भर कर कहीं भेजी जा रही थी। कहाँ से आप आए हैं और क्या नाम है? मेरा शायद सर, हमारे गाँव के लाख है, हमारे कॉलेज एक बार हो चुके ऑक्सीजन की वजह से। सर सुबह 7 बजे से बैठे हैं तो नहीं ऑक्सीजन नहीं मिली सर, ऑक्सीजन की वजह से एक्सपायर हो चुके हैं। मैंने क्या बोला? बोले सुबह से 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सुबह से टाइम हो गया, ना तो मना कर रहे ना सिलेंडर दे रहे। और क्या बोल रहे हैं? थोड़ी देर बाद पहले बोल रहा हूँ, सुबह शाम होगी, दो पेशेंट और वो निकल लेंगे, फिर और क्या होएगा हमारे साथ। एक पेशेंट की मृत्यु हो गई, अभी फोन बात करी थी। वहीं जब बाहर खड़े लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट के मालिक से बात करनी चाहिए तो ऑक्सीजन प्लांट के मालिक और मैनेजर ने लोगों से अभद्रता की। वहीं नोएडा से आए इकलाक नाम के व्यक्ति का कहना है कि मेरे परिवार के 3 सदस्य नोएडा अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की अभी 1 घंटे पहले ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से जान चली गई, लेकिन ये माँ गंगा ऑक्सीजन प्लांट मालिक हमारी सुनने को तैयार नहीं है। क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या आ रही है? मैं यहाँ पे सुबह आया 9 बजे गैस लेने के लिए, मेरी मौसी जी एडमिट है, उनकी आसपास ऑफिस दिल्ली में सारे पेपर हॉस्पिटल के लेकर आया, जो फॉर्मेलिटी मांग रहा है, और भी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, लेकिन हमने बात करनी चाहिए। मैंने कहा ये पेपर है, हमें सिलेंडर के लिए आया, तो अंदर तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मैनेजर साहब हमारे से गंदी लैंग्वेज में गाली देकर बात करते हैं, कहले कोई सिलेंडर यहाँ पर नहीं मिलेगा। हमारे सामने यहाँ से 10 गाड़ी जो है ना, हमारे पे वीडियो भी है उसकी जो हमने बनाई है, 10 गाड़ी यहाँ से जो है दिल्ली नंबर प्राइवेट इनोवा में यहाँ पे सिलेंडर भर भर के जा रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक यहाँ पे सड़क पर तरस रही है। इन्होंने साफ इनकार कर दिया, कह लगे यहाँ पे कोई गैस नहीं देंगे, जहाँ से हम दे रहे हैं वहाँ पे जाएगी, अंदर से गाड़ियाँ लोड हो रही है और लोड हो के जा रही है। बताइए हम क्या करें? इससे तो यह है कि हम यहीं पेशेंट को ला के यहीं पर गैस एजेंसी के सामने यहीं पर उन्हें मरने के लिए छोड़ दें। बताओ कहाँ जाए हम इस हालत में, कोई हमें देखने वाला नहीं है, और अब मीडिया वाले आए तो मीडिया वालों पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम फैक्ट्री वालों से भी, प्रशासन से भी सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिलेंडर दिलवाया जाए। बताओ कहाँ पे जाएंगे हम? हमारे घर वाले मरने के लिए तैयार बैठे, और इस पे कोई फर्क नहीं, पैसा कमा रहे हैं उसमें लग रहा है, पैसा कमाया जा रहा है यहाँ पे। देश में एक तो वैसे ही ऑक्सीजन और बेड की कमी है, और ऐसे में अगर ऑक्सीजन प्लांट के मालिक लोगों को ऑक्सीजन देने की बजाय उनसे अभद्रता करते हैं तो जरा सोचिए हालात कैसे हो जाएंगे। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए इंतजार रजा की रिपोर्ट। नैनीताल जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ आज बैठक की। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। मंत्री बंशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले में सभी पर्याप्त सुविधाएं और बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले में ऑक्सीजन और रिफिलिंग की भारी कमी है, इसको देखते हुए उधम सिंह नगर से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों को सचेत रहना होगा। नैनीताल जिले में अभी तक 4,784 लोग होम आइसोलेशन में हैं। बंशीधर भगत ने कहा कि बिना आरटीपीसीआर टेस्ट और चेकिंग के बिना कोई भी भारी व्यक्ति नैनीताल जिले में प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिसको देखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही अस्पतालों में लगातार व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है, निजी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।